अध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता के सामने अपना एक संदेश रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्यों बुलाई गई थी? क्यों कहा गया था सहयोग का प्रस्ताव पास करो? क्या हम लोग कोई बच्चे थे? क्या हमारे मन में यह लालसा थी कि किसी प्रधानमंत्री के दरवाजे पर हमें सहयोग की भीख स्वीकार कर ली जाए? प्रधानमंत्री की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी एकाग्र दृष्टि के ऊपर मुझे तरस आता है। इसलिए बार बार मैंने कहा कि इस लड़ाई में हम सब साथ हैं, क्योंकि यह लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई है देश की मर्यादा की प्रतिष्ठा को बचाने की लड़ाई। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आज करोड़ों दिल टूटे हैं और इस दिल को आप नहीं जोड़ सकते। आप अपने भाषणों से उसको फिर से जागृत नहीं कर सकते। 1.5 करोड़ सिखों के साथ जब कुछ हुआ था तब भी मैंने कहा था मत करो इस काम को। उस समय हमारा बड़ा उपहास हुआ था, बड़ी कटु आलोचना हुई थी। इतिहास इसका गवाह है। क्या हो रहा है आज पंजाब में? क्या उसको आपने सेना के बल पर दबा दिया? 15 करोड़ मुसलमान जो भारत में हैं, ये सब अरब से नहीं आए, हमारे ही घर के लोग हैं। क्या इनको दबा लोगे? इनको अरब सागर में ले जाकर डुबा दोगे? कोई नहीं जाता है पंजाब और कश्मीर में चुनौती को स्वीकार करने के लिए, चुनौती देने के लिए जाते हैं। अयोध्या में राम की भूमि, जहां हर किसी को मानवता का प्रेम का संदेश सुनाया गया। मैं अटल जी से निवेदन करूंगा कि आज भी छोटे दायरे को तोड़ें। जो पश्चाताप उनके दिल में उस दिन था जब उन्होंने इंडिया एब्रोड को बयान दिया था, क्या अडवाणी की गिरफ्तारी से सब कुछ बदल गया? क्या परिस्थितियां, वास्तविकताएं बिल्कुल टूट गईं? क्या आपकी मर्यादाएं उस दिन बिखर गईं? प्रदेश को बनाना होगा। कई गिरफ्तारियां होती हैं, कई बार लोगों के साथ जायतियां होती हैं। उन जायतियों से जो किसी एक नामकूल आदमी की हरकत से होती है, उसके लिए क्या देश के ऊपर इतनी बड़ी लांछना लगाने के लिए तैयार हैं कि सारी दुनिया आज कहे कि भारत में धार्मिक आज़ादी मिटाने की कोशिश हो रही है? NIC की मीटिंग में मैंने आडवाणी जी से कहा था, मैं कल्याण सिंह को समझ सकता हूँ, पटवा जी को समझ सकता हूँ, उनको भोपाल और लखनऊ चलाना है, लेकिन आप विरोधी दल के नेता हो और देश चलाने की इच्छा रखते हो, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आ भी सकती है। क्या कभी सोचा है कि दुनिया में इसका नतीजा क्या होगा? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, जो सारी दुनिया को चुनौती दे सकते थे, अपने 500 कार्यकर्ताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते थे? क्या आप देश को चलाओगे? क्या आप राष्ट्र को इस कठिन समस्या से निकालोगे? इतिहास बड़ा कठोर निर्णायक होता है, वह किसी को क्षमा नहीं करता। देर लग सकती है, लेकिन वह निर्णय करके रहेगा।